Allez, go. Om Right Guru Sahaj Darshan Swayamati Hum Bane Arham परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। योग पखवाड़े का आज हमारा चौथा दिन। आप सभी का एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आनंद सेठिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पहले हम त्रिपदी वंदना करेंगे। त्रिपदी वंदना वंदनासन में आए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहम वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी को जय जिनेन। आज हमारे साथ लातूर महाराष्ट्र से जाने माने योग गुरु श्री विष्णु जी भूतरा जुड़े हुए हैं और हमारा जो आने वाले 21 जून को जो विश्व योग दिवस मनाएंगे उससे पूर्व हमने जो पखवाड़ा सब प्रारंभ किया, तो आज चौथा दिन जैसा कि मैंने बताया। और आज का विषय है आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित योग प्रोटोकॉल। आयुष मंत्रालय ने हमें कुछ योग इसका एक प्रारूप बना के दिया हुआ है, कौन सा योग हमें 21 तारीख को करना है, कौन से प्राणायाम करना है। तो इस बात से बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। तो हमारे साथ विष्णु जी जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला जो कि हमारे साथ सूरत गुजरात से जुड़ी हुई है, आपसे निवेदन करता हूँ आप विष्णु जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। आराम से हाथ ऊपर कर दीजिए लक्ष्मण भाई जी, एंजॉय कीजिए। यस, हंसते हंसते शुरुआत करेंगे। मोस्ट वेलकम मोस्ट एवरीबॉडी, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम स्वागत करते हैं एमपी के फिटनेस क्लास की तरफ से विष्णु जी का और उपस्थित सभी साधकों का। योगी विष्णु जी, इनका परिचय क्या देना, इनकी लाइफ ही योग है। 30 साल से जो योगा में सेवा दे रहे, 99 से, और हर एक के अपने गुरु होते हैं, ज्ञान होता है, और ये पतंजलि से जुड़े हुए हैं। स्वामी रामदेव बाबा के वहां से 2004 से ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि विष्णु जी पतंजलि योग समिति राज्य के प्रभारी है, पूरे राज्य का प्रभार इनके पास है। और योग तो इनके
अंदर बसा हुआ ही है। एक बात मुझे याद आती है, पारस को लोग बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं क्योंकि पारस है जो लोखंड को सोना बना देता है। तो मुझे गुरुदेव हमारे आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते उससे भी एक बड़ी बात होती है, पारस से भी बड़ी। लोग बोलेंगे पारस से क्या बड़ी, पारस तो लोखंड को सोना बना देते हैं, उससे क्या बड़ी बात है। तो महाप्रज्ञ कहते हैं ये तो बहुत छोटी बात है, जो पारस को ही दूसरा पारस तैयार करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सोना बनाने से सोना बनाने वाला जैसा व्यक्ति तैयार करना, पारस तैयार करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और विष्णु जी सतत योग टीचर्स के लिए काम करते हैं और बहुत सारे योग शिक्षक इन्होंने तैयार किए हैं और इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से बहुत सारे टीचर्स भी तैयार होंगे। तो ऐसे हमारे विष्णु जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र जी, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने जब से योग विश्व पर प्रसारित किया है, आयुष मंत्रालय इसमें काम कर रहा है और आयुष मंत्रालय से प्रोफेशनल कोर्स भी चलते हैं और स्पेशली 21 तारीख के लिए खास प्रोजेक्ट भी होता है। मैंने अभी अभी YCB यानी आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रोफेशनल कोर्स भी किया है, बहुत सुंदर अभ्यासक्रम रहता है और पूरे विश्व के लिए, विश्व दिन के लिए जो मार्गदर्शन रहता है। तो आयुष मंत्रालय क्या कहता है, हमारे विष्णु जी बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो वो हमें शेयर करेंगे, इनसे हम नई बातें सीखेंगे जानेंगे। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, सब लोग उनका स्वागत करें, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम विष्णु जी, MP के केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। धन्यवाद, आपकी आवाज आपको अनम्यूट कर दीजिए विष्णु भाई जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आदरणीय अलका सांखला जी। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो योग पखवाड़ा इन्होंने शुरू किया है 6 जून से, MP के फिटनेस क्लास और कल्याणम योग सेवा केंद्र सूरत के माध्यम से उसको चौथा दिवस प्रारंभ करते हैं योग प्रोटोकॉल। आइए सबसे पहले सीधा बैठेंगे, उपस्थित सभी योग प्रेमी सज्जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो सीधा किसी भी एक आसन में बैठना है, सुखासन हो या सिद्धासन, पद्मासन हो या वज्रासन, किसी एक आसन में बैठकर अपने दोनों हाथों की एक मुद्रा लगा लेना, अंगूठे से तर्जनी दबाना ज्ञान मुद्रा। अलग अलग कई मुद्राएं हैं, वायु मुद्रा है, शून्य मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, जल मुद्रा है, हमें कोई भी एक मुद्रा लगाकर आराम से बैठना है। कोई जकड़न नहीं है, कोई तनाव नहीं है, मन ढीला, आराम से सीधा बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ आज के इस अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित सामान्य योग प्रोटोकॉल जो सभी के लिए उपयुक्त है, छोटे से लेके बड़े तक, बालक से लेके बुजुर्ग तक, सब इसको कर सकते हैं, ऐसा एक आसान पैकेज भारत के सभी विद्वत योग गुरुओं को मिलाकर उन्होंने निर्माण किया। उसमें परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज है, उसमें परम श्रद्धेय आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज है और भारत के अन्य सभी योग गुरु, जैसे तमिलनाडु से जग्गी वासुदेवन जी महाराज है से लेकर पूरे भारत के अलग अलग योग गुरुओं को लेकर एक कॉमन योग प्रोटोकॉल बनाया। तो आइए उसी का आज एक अभ्यास हम देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं मंत्र के साथ, पहले अपने हाथों को जोड़कर बैठेंगे ऐसे। ओम संगच्छद्वम संवा
द्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों के भांति हम कर्तव्य के मानी बने, हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता है बराबर, भोग्य पा सब नेक हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधि सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा, जिससे बढ़े सुख संपदा। ऐसे इस मंत्र का अर्थ है कि हम सब मिलकर चले, हम सब मिलकर इस अपने आप के उत्थान के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए आगे बढ़े, व्यक्तिगत उन्नति से लेकर राष्ट्र की उन्नति, यही मानव धर्म होना चाहिए। हमारे सब के मन मिले हुए हो, हम सब एक दिल होकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं, ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। ओम संग छद्वम संवदद्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत, इसके माध्यम से आदरणीय आनंदमल सेठिया जी, आदरणीय माता प्रेमलता सेठिया जी, आदरणीय डॉक्टर सुमिता जोगर जी और आदरणीय अलका देवी सांखला जी, इनके माध्यम से जो एक कोऑर्डिनेटर्स है, सबके माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम इसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ पर पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के भी कई साधक जुड़े हैं, देश और विदेश से भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, और जो जुड़े हैं उनका भी मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और इस योग प्रोटोकॉल के कार्य को हम प्रैक्टिकल के रूप में शुरू करते हैं। इस योग प्रोटोकॉल में सबसे पहले शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज है कि शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, एक गर्दन का जॉइंट है, एक कंधे का जॉइंट है, ये हमारे कमर के लिए है, और घुटने के जॉइंट्स है, ये मेजर चार जॉइंट्स है हमारे, गर्दन का, कंधे का, कमर का और घुटने का। तो इन चार जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए उसके एक्सरसाइजेस है जो खड़े होकर करेंगे हम। उसके पश्चात खड़े होकर कुछ आसन है, पांच आसन हम खड़े होकर करते हैं। उसके पश्चात बैठ कर करने वाले आसन है, दंडासन की स्थिति में बैठ कर कुछ आसन करते हैं, कुछ वज्रासन की स्थिति में आसन करते हैं, कुछ आसन पेट पर लेटकर करने हैं और कुछ आसन पीठ पर लेटकर करने हैं, और अंत में चार प्रकार के प्राणायाम है और ध्यान की प्रक्रिया होगी। तो ऐसे एक कॉमन योग प्रोटोकॉल एक घंटे का है, उसको हम प्रैक्टिकल के साथ साथ उसका विवेचन भी देखेंगे। तो आइए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। हमें पहले करना है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, तो हमें अपने अलग अलग जॉइंट को शिथिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उसके कुछ एक्सरसाइज करने हैं। तो अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो सकते हैं, तो ऐसे खड़े हो जाइए। पहले जगह पर खड़े हो जाना, दोनों हाथ हमारे वीडियो चालू है, वीडियो ऑन कर ले जी। मेरा वीडियो दिख रहा है सबको? आपका दिख रहा है, बराबर दिख रहा है जी, और आवाज भी आ रही है ना स्पष्ट? जी आ रही है। ठीक है, तो हम पहले अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर गर्दन के लिए व्यायाम करेंगे, अपना गर्दन का अभ्यास। अब गर्दन को पहले बाईं ओर देखना, अपने कंधे सीधे रहेंगे, उसको नहीं हिलाएंगे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे दाहिनी ओर देखना है, गर्दन मुड़ेगी ऐसे राइट साइड में, फिर धीरे धीरे गर्दन को पुनः एक बार लेफ्ट साइड ले जाना, धीरे धीरे इसी गर्दन को फिर राइट साइड ले जाना, पुनः एक बार गर्दन बाईं ओर और धीरे धीरे फिर गर्दन दाहिनी ओर ले जाना, सामान्य, फिर सामान्य होगी, दोनों हाथ कमर पे ही रहेंगे। अब गर्दन को आगे और पीछे करना है, गर्दन को आगे करेंगे,
धीरे धीरे पीछे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग आगे झुकाना है, बैकवर्ड बेंडिंग पीछे की ओर झुकाना है, पुनः एक बार गर्दन सामने की ओर और धीरे धीरे पीछे की ओर सामान्य। अब गर्दन को बाईं ओर झुकाना है, पहले घुमाया था, बायां कान हमारे बाएं कंधे से लगे, अब गर्दन को धीरे धीरे सामान्य करते हुए दाहिनी ओर झुकाना है, दाहिना कान दाहिने कंधे से लगे, फिर से लेफ्ट ईयर ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, धीरे धीरे राइट ईयर ऑन योर राइट शोल्डर, पुनः एक बार लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे को लगेगा और राइट कान राइट कंधे को लगेगा। तो ये गर्दन को झुकाने वाला अभ्यास, हमने गर्दन को घुमाने का अभ्यास किया, गर्दन को झुकाने का अभ्यास किया, आगे पीछे उसको कर दिया। अब गर्दन का गृहासन करेंगे, धीरे धीरे गोल चक्र करना है, क्लॉकवाइज 3 बार करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार करेंगे। आराम आराम से गर्दन को ऐसे गोल घुमाना, 3 बार क्लॉकवाइज, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई झटका नहीं है, आंखें खुली रखना, विश्राम, रिवर्स, विपरीत दिशा से 3 चक्र, 3 बार इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, पूर्ण चक्र करना, सामान्य छोड़ दीजिए, दोनों हाथ नीचे। तो ये हमने अभी केवल गर्दन के रिलैक्सेशन पोज देखे गर्दन के लिए, अब देखेंगे अपने कंधों के लिए, कंधों के लिए कैसे पोजेस देखिए, 1 दोनों हाथ सामने होंगे, 2 दोनों हाथ ऊपर, 3 फिर सामने, 4 नीचे। फिर से एक बार करेंगे, 1 दोनों हाथ सामने, 2 दोनों हाथ ऊपर, पूरा सीधा ऊपर है, कोहनियों में से मोड़ना नहीं, सीधा ऊपर, 3 सामने, 4 नीचे। पुनः एक बार करेंगे, दोनों हाथ सामने, 1 2 दोनों हाथ ऊपर, 3 दोनों हाथ सामने, 4 दोनों हाथ नीचे। अब इसमें थोड़ा दूसरा प्रकार, दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाना है, 1 दोनों हाथ साइड में करेंगे ऐसे, फिर हथेलियों को ऊपर की ओर रुख करते हैं, 2 दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, फिर हथेलियों को मोड़ करके, 3 और 4, 1 हथेलियों को ऊपर करेंगे, 2 फिर हथेलियों को घुमा के, 3 4 आखिरी बार एक बार, 1 हथेलियों को ऊपर करते हुए, 2 हथेलियों को फिर घुमा करके, 3 साइड में हाथ और 4 दोनों हाथ अपने कमर के पास। तो ये हो गया कंधों के लिए, और एक अभ्यास है कंधे के लिए, दोनों हाथ ऐसे कंधे पर रखते हैं, दोनों हाथ कंधे पे और कोहनी का बड़ा शून्य, ऐसे कोहनी घुमाना, इससे कंधे के दर्द, फ्रोजन शोल्डर आदि वहां के जॉइंट्स में होने वाले प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। तो ये कंधे को गोल घुमाना है, एक कोहनी का बड़ा शून्य करते हैं, उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स, हर चक्र में सामने कोहनी मिलाने का प्रयत्न करना है, इसे हर चक्र में सामने कोहनी मिलेगी, विश्राम। तो ये हो गए हमारे कंधे के लिए अभ्यास, अब करते हैं कमर के लिए अभ्यास। तो कमर के लिए अभ्यास में आपको दिखाएंगे, दोनों हाथ सामने कीजिए ऐसे, इसे कहते हैं कटी चक्रासन, श्वास को भरते हुए बाईं ओर से पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, फिर विपरीत दिशा से श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, पुनः एक बार श्वास को भरते हुए पीछे जाना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे आना है, दोनों हाथ समांतर रहेंगे,
फिर दूसरी दिशा से श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे। फिर से एक बार श्वास को भरते हुए बाईं ओर से पीछे छोड़ते हुए आगे, दाहिनी ओर से श्वास को भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे सामान्य। तो ये अभ्यास कमर के लिए है। तो जब हम कटी चक्रासन करते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को अच्छा सा व्यायाम मिल जाता है। अब इसमें भी दूसरा प्रकार करेंगे, दोनों हाथ साइड में और जब पीछे जाएंगे इसे घूम के, समाएगा बाएं कंधे पे और बाएं हाथ पीठ पे, फिर सामने आना है विरुद्ध दिशा से, अब दाहिना हाथ पीठ पे और बाएं हाथ दाहिने कंधे पे, फिर सामान्य। तो इसमें भी दो अभ्यास। तो ये कमर के लिए है। अब घुटनों के लिए, घुटना संचालन, दोनों हाथ आगे करेंगे ऐसे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। तो ये घुटना और टखने के लिए अत्यंत लाभदायक अभ्यास है। हमारे घुटने और नीचे टखनिया दोनों के लिए ये अत्यंत लाभदायक। ऐसे इसमें कोई नीचे पूरा भी जा सकता है धीरे धीरे ऐसे, और पूरा भी अभ्यास हो सकता है। तो धीरे धीरे इसको हमें जितना इजीली पॉसिबल है, सहज जितना शक्य है उतना ही करना है। लास्ट एक बार सामान छोड़ दीजिए। तो ऐसे हमने अपने चार बड़े जॉइंट्स के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस किए, ये छोटे छोटे जॉइंट संचालन के एक्सरसाइज थे। अब उसके बाद खड़े होकर करने वाले पांच आसन है। खड़े होकर करने वाले आसनों में पहला आसन है ताड़ासन। दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करेंगे और हथेलिया का रुख आसमान की ओर, ऊपर की ओर हथेलिया खींचेंगे, पूरा शरीर को पूरा स्ट्रेच लेना है, पैर के पंजों पर पूरा शरीर उठा लेना है, एरिया पूरी तरह से ऊपर, हथेलियों को ऊपर की ओर खींचना, श्वास को छोड़ते हुए फिर माथे पे हाथ, पुनः एक बार दोनों हथेलियों का रुख आसमान की ओर और हथेलियों को ऐसे ऊपर खींचना, संपूर्ण शरीर को मानो स्ट्रेच दिया है हमने, ये ताड़ासन का अभ्यास। ये मन की एकाग्रता बढ़ाने वाला ध्यानात्मक आसन है ताड़ासन। बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने वाला आसन, बड़ों के लिए ध्यान केंद्रित करने वाला आसन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यही पावर है। छोड़ दीजिए सामान्य। तो ये ताड़ासन का अभ्यास हुआ। इसी का एक उप प्रकार है तिर्यक ताड़ासन। पैरों में थोड़ा सा अंतर लेंगे, दोनों हाथ हथेलियां इंटरलॉक करके ऊपर की ओर, साइड से नीचे झुकेंगे, ये ऐसे जितना हो सके नीचे जाना है। फिर दूसरी दिशा में साइड से नीचे, पुनः एक बार लेफ्ट साइड में अपने दोनों हाथ लेकर ऐसे पैर तक जाएंगे नीचे। ये तिर्यक ताड़ासन है, ताड़ासन की तिर्यक पोज। विश्राम। तो अभी तक हमने एक आसन किया ताड़ासन, उसका उप प्रकार था तिर्यक ताड़ासन। अब खड़े होकर करने वाला दूसरा आसन है वृक्षासन। एक पैर उठा के रखेंगे, दूसरे पैर बैलेंस बनाकर, फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर प्रणाम की स्थिति में और ऊपर खींच के स्ट्रेच करेंगे वृक्षासन। ये भी ध्यानात्मक आसन है।
कुछ समय के लिए अपने स्थिति में बैलेंस करना, छोड़ दीजिए दूसरे पैर से, पैर बदल कर यही क्रिया करेंगे। वृक्षासन का ये दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, शरीर का बैलेंस एक पैर पर, ये भी मन को एकाग्र करने वाला ध्यानात्मक आसन है वृक्षासन, छोड़ दीजिए। अब खड़े होकर करने वाला तीसरा आसन है अर्धचंद्रासन, दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे, ऐसे पूरा बैलेंस करते हुए, रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा अभ्यास, कटी शक्ति विकासक पोज, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, ये कटी शक्ति विकासक का पोज है, श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे, अर्धचंद्रासन। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, तो यह अभ्यास कमर के लिए, पीठ के दर्द के लिए अत्यंत लाभदायक, कटी शक्ति विकासक का पोज। चौथा आसन जो खड़े होकर करने वाला है वो पाद हस्तासन, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ अपने पैरों को लगा देना, श्वास को भरते हुए ऊपर, जिसे कमर पीठ गर्दन दर्द है वो आगे ना झुके, जिसे कमर का दर्द पीठ का दर्द और गर्दन का दर्द है वो आगे झुकने वाले अभ्यास को ना करे। अब वापस एक बार करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे अपने पैर को अपने हाथ लगाएंगे, पाद हस्तासन, या इसे हस्त पादासन भी कहते हैं, श्वास को भरते हुए ऊपर सामान्य। चार आसन हमने खड़े होकर किए, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचंद्रासन और पादहस्तासन। पांचवा आसन त्रिकोणासन, दोनों पैरों में अच्छा अंतर लीजिए, दो ढाई फीट का, दोनों हाथ साइड में होंगे, अब त्रिकोण बनाएंगे, ये दाहिना हाथ जाएगा दाहिने घुटने पर और धीरे धीरे ये हाथ नीचे जाएगा और ऊपर वाला हाथ जमीन को समांतर रहेगा, त्रिकोण आसन। तो ये जगह जगह त्रिकोण बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकोण आसन है, छोड़ दीजिए। दूसरी दिशा से दोनों हाथ साइड में करेंगे, बाया हाथ बाहने बाएं घुटने पे, ऊपर वाला हाथ कान से लगेगा, धीरे धीरे नीचे वाला हाथ टखनी तक जाएगा और ऊपर वाला हाथ जमीन को समांतर रहेगा, ये दूसरी ओर से त्रिकोण आसन, छोड़ दीजिए। तो ये खड़े होकर करने वाले हमने पांच आसन किए। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, तो बैठ कर करने वाले आसन पहले दंडासन में, दंडासन समूह में ऐसे बैठेंगे, दोनों पैर हमारे सीधे सामने हैं, दोनों हथेलियां कमर के पास, पीठ को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए स्थिर होके शांत होके बैठ जाना, यह दंडासन है। इस स्थिति का विश्रांति का आसन दंडासन। दो चार लंबे गहरे श्वास ले लेना, लंबा श्वास लंबा प्रश्न, लंबा गहरा श्वास लंबा गहरा। विश्राम, दंडासन के पश्चात करेंगे भद्रासन, दोनों पैर मिले हुए जितना हो सके नजदीक और सीधा बैठना है इसे। इसमें आप नीचे भी जा सकते हैं, अपना माथा अपने पैर को लगा सकते हैं, लेकिन सीधा बैठकर दोनों घुटने हमारी जमीन की ओर रहे, दोनों घुटने जमीन को, श्वास को छोड़ते हुए माथा अपने पैर को
श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर और कुछ देर तक इस पोज में बने रहना, सीधा बैठकर भद्रासन की पोज, दोनों घुटने जितना हो सके उतना जमीन को लगाना। कुछ लोगों के घुटने ऐसे ऊपर रहते हैं, तो धीरे धीरे प्रयत्न करना उसको जमीन पर ले जाने का, जोर जबरदस्ती नहीं करना। छोड़ दीजिए। अब आएंगे हम वज्रासन में, तो एक पैर पहले दाहिना पैर फिर बायां पैर मोड़कर इस स्थिति में बैठना, इसको वज्रासन कहते हैं। वैसे तो भोजन के बाद करने लायक एकमात्र आसन वज्रासन, इस स्थिति में हम भोजन के पश्चात 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर बैठेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये वज्रासन में कुछ समय बैठने का अभ्यास करना। दोनों घुटने जब हम औंधे डाल देते हैं तो पैर की पीछे स्थिति ऐसी रहती है कि अंगूठे के पास अंगूठा है। कुछ लोग ऐसे पैर के ऊपर पैर लेके बैठते हैं, ये गलत है। पैर के ऊपर पैर नहीं लेना है, या ऐसे पैर के पंजे ये करके नहीं बैठना, ये गलत है। दोनों हमको बैठना है इस स्थिति में, ये सही पोज है। तो अंगूठे के पास अंगूठा रहेगा, दोनों पैर नजदीक रहेंगे लेकिन पैर के ऊपर पैर नहीं रहेगा, तो ये स्थिति कहलाती है वज्रासन। अब वज्रासन समूह के कुछ आसन है, उसमें अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। पहले ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रख के पीछे की ओर झुक जाना अर्ध उष्ट्रासन कहलाता है। यह अर्ध उष्ट्रासन, आधे ऊंट के जैसी पोज, उष्ट्र यानी ऊंट, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, फिर श्वास को भरते हुए पीछे। आसन में नियम यही है, जब पीछे झुकते हैं तो श्वास को भरना, आगे झुकते हैं तो श्वास को छोड़ना। ये सामान्य नियम है सभी आसनों में, श्वास को भरते हुए पीछे। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, अब इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन। अब ये दाहिना हाथ दाहिने पैर की एड़ी को जाएगा, बायां हाथ बाएं पैर को, और ऐसे गर्दन पीछे, ऊंट की पोज उष्ट्रासन। ऐसे ही फिर छोड़कर सामान्य हो जाना। जिसको ये पूरा करना संभव नहीं है वो ऐसे स्वामी विवेकानंद जैसी पोज बना लेना, दोनों हाथ की ऐसे घड़ी लगा के पीछे झुक जाओ। ठीक, जो ऐसे पैर पे नहीं कर सकते वो थोड़ा सा पैरों को ऊपर उठा लेना, फिर इसमें आसानी से थोड़ा हाथ इजीली पहुंच जाता है, ये करना आसान। छोड़ दी, वज्रासन में बैठेंगे। तो हमने वज्रासन समूह के अलग अलग आसन देखे, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, और अब करते हैं शशक आसन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नतमस्तक हो जाना है, सते के जैसी पोज शशक आसन। श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है, अपना माथा जमीन को लगाना, श्वास को भरते हुए ऊपर आना सामान्य। आसनों के कुछ नियम है, हर दो आसन के बीच में थोड़ी सी विश्रांति,
और विश्रांति होती है लंबे श्वास प्रश्वास से, लंबा श्वास लेकर छोड़ने से विश्रांति हो जाती है। आसन में आगे झुकते हुए श्वास को छोड़ना, पीछे झुकते हुए श्वासों को भरना, यह आसन का अगला नियम है। आसन के अंतिम पोज में कुछ देर बने रहना, यह आसन का महत्वपूर्ण नियम है। आसन की जब फाइनल पोज आती है और उस फाइनल पोज में जाने के बाद फिर आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट, जब तो 2 मिनट आप उस आसन की पोज में बने रहेंगे, आपको आसन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो 2 मिनट तक एक आसन को लगातार करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधः योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। और यह आसन की व्याख्या स्थिर सुखम आसनम, लंबे समय तक स्थिर हो जाना, उसी को आसन कहा गया है। स्थिरवस्था अवस्था दीर्घ समय तक आसन कहलाता है। आइए अब उसका अगला आसन करेंगे, उत्थान मंडूक आसन। दोनों घुटनों में अंतर रखिए, घुटनों में अंतर ले लेना है। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बाया हाथ दाहिने कंधे पर, और ऊपर की ओर देखना। ऐसे पीछे की ओर झुकाव रहेगा, फिर बाया हाथ हटाना, दाहिना हाथ हटाना सामान्य। फिर से एक बार करेंगे, पैरों में अंतर रहेगा वज्रासन की स्थिति में, घुटनों में अंतर, दाहिना हाथ जाएगा बाएं कंधे पर, बाया हाथ जाएगा दाहिने कंधे पर, और ऊपर ऊपर की ओर देखना है। फिर बाया हाथ निकलेगा, दाहिना हाथ निकलेगा, और आपको सामान्य स्थिति में आ जाएंगे वज्रासन। तो हमने वज्रासन समूह के काफी आसन किए। अब वज्रासन को छोड़कर पुनः एक बार दंडासन में आएंगे, क्योंकि दंडासन से ही वज्रासन में गए हैं, तो वज्रासन से पुनः दंडासन में आ जाते हैं। अब इस दंडासन में आखिरी का आसन है वक्रासन। एक पैर को नजदीक लेंगे घुटना ऊपर। अब दाहिना बाया घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ छाती और घुटने के बीच से पैर की टखनी को पकड़ना और विरुद्ध दिशा से पीछे मुड़ के देखना। छोड़ दीजिए, पैर बदलकर यही क्रिया। दाहिना पैर खड़ा किया है, दाहिना घुटना ऊपर है, अब बाया हाथ लेफ्ट हैंड छाती और घुटने के बीच से पैर की टखनी को पकड़ना और पीछे मुड़ के देखना। छोड़ दीजिए सामान। तो ऐसे अब ये बैठक समूह के आसन हमने किए। अब पेट से भर लेकर करने वाले कुछ आसन करेंगे। बाई ओर से पेट के बल लेट जाइए, मकर आसन। पैरों के पंजों में अंतर, एड़िया भीतर, पंजे बाहर, एड़िया भीतर। बाएं हाथ पे दाहिना हाथ और उस पर गाल या कपाल या थोड़ी लगा के विश्राम करना। गाल कपाल या थोड़ी लगा के विश्राम करना मकर आसन कहलाता है। मकर आसन में लंबे श्वास प्रश्वास चलते रहेंगे। ये पेट पर लेटकर विश्रांति वाला आसन है मकर आसन। मकरासन की पोज लेंगे, दोनों पैर पीछे जोड़ेंगे, पीछे पैर मिले हैं, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लगा देना, पीछे से दोनों पैर उठाकर कमर के पास, ये मकरासन की पोज। छोड़ दीजिए, पुनः एक बार मकरासन में विश्राम।
लंबे लंबे श्वास प्रश्वास, विश्रांति के समय दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास। अब करते हैं भुजंग आसन, दोनों पैर पीछे मिला लेंगे, दोनों हथेलियां छाती के शरीर में, श्वास को भरते हुए सामने से शरीर को उठाना है, कमर तक का पेट उठाना है, खाली नाभि के ऊपर का हिस्सा उठेगा, नजर ऊपर की ओर, दोनों हाथ की कोहनियां सटी हुई, थोड़ी सी मुड़ी हुई कमर के पास लगी हुई, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास को भरते हुए ऊपर। कुछ देर इसमें बने रहना, स्थिर हो जाना, कमर दर्द, पीठ दर्द और गर्दन दर्द के लिए अत्यंत उपयुक्त, कमर पीठ गर्दन दर्द के जो आसन हम करवाते हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है भुजंग आसन, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। विश्राम, मकरासन में विश्राम। अब तीसरा आसन है इसमें लेटकर शलभ आसन, पीछे दोनों पैर मिलाकर दोनों हाथ लेंगे कमर के पास, एक एक पैर उठाएंगे, ऐसे एक पैर उठाना है पीछे से, श्वास छोड़ते हुए दूसरा, और दूसरा पैर उठाना है, छोड़ दीजिए नीचे, दोनों हाथ जंघों के नीचे लेकर दोनों पैर एक साथ उठाना, छोड़ दीजिए। तो ये हमने पेट के बल करने वाले कुछ आसन देखे। अब धीरे से बाई करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन करेंगे। पहले सेतु बंधासन, दोनों पैर नजदीक, एड़िया कूल्हों के पास, अब दोनों हाथ कमर के नीचे ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं, छोड़ दीजिए। इसी में स्कंधरासन भी होता है, दोनों हाथ पैर की टखनियों को पकड़ना है, दोनों हाथ से दोनों पैर की टखनियां एड़ियों को पकड़ना और बीच से कमर का हिस्सा ऊपर उठाना है, इसी को सेतुबंधासन भी कहते हैं, स्कंधरासन भी कहते हैं। महिलाओं की समस्या में अत्यंत लाभदायक, उदर विकार, पेट के रोग आदि समस्त विकारों में लाभदायक ये सेतुबंधासन और स्कंधरासन। छोड़ दीजिए। अगला आसन है उत्तान पादासन, दोनों हाथ कमर के पास रहेंगे, दोनों पैर जमीन से 30 डिग्री तक उठाना है, कुछ देर तक इसमें बैलेंस करना, स्थिर हो जाना। छोड़ दीजिए। पेट में और पैरों में होने वाले कंपन का अनुभव करना, और एक बार करेंगे उत्थान पादासन, दोनों पैर जमीन से 30 डिग्री तक उठाना है, उठाइए। छोड़ दीजिए। उत्थान पादासन के बाद अब करेंगे अर्धहलासन, अर्धहलासन में दोनों पैर जमीन से 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है, जैसे पहले एक एक पैर, दोनों पैर ऐसे जमीन से 90 अंश के कोण पर, और कोई ऐसे हाथ में लगाते हुए भी उठा सकते हैं।
धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब इसमें करना है एक पवन मुक्तासन, दोनों पैर मोड़कर दोनों हाथ से घुटने के पास पकड़ना है, फिर से एक बार इसमें आगे पीछे लुढ़क सकते हैं, इसे आगे पीछे झूला लेना, छोड़ दीजिए। सब आसनों के अंत में शवासन, पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां साइड में, मन में कोई विचार नहीं, संपूर्ण शरीर की चेतना शक्ति हृदय में लाकर स्थित करना है। सारा शरीर मेरा चैतन्य रहित हो गया है, संपूर्ण शरीर मानो हमारा चैतन्यहीन हो गया है, वो अवस्था है ये शवासन की। पुनः हमारे हृदय से चैतन्य को निकाल कर संपूर्ण शरीर में पहुंचाना। अब मेरा संपूर्ण शरीर चैतन्यमय हो रहा है, अब मेरा शरीर चैतन्यवान हो गया है, सारे शरीर के रोम रोम में मेरा नया चैतन्य, नई ऊर्जा, नई ताजगी आई है। इस भाव के साथ दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और आंखों को ये ऊर्जा देंगे। बाई ओर से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। अब प्राणायाम का अभ्यास करना है। कोई भी एक आसन में बैठेंगे आप, यह सिद्धासन है। बाएं पैर की एड़ी पर दाहिने पैर की एड़ी रखना सिद्धासन कहलाता है। इसमें अब कॉमन योग प्रोटोकॉल का जो पहला प्राणायाम है वो कपाल भांति प्राणायाम। कपाल भांति प्राणायाम पेट को धक्का देना, श्वास को बाहर फेंकना। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, पेट को धक्का देना है, श्वास को बाहर फेंकना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, वन सेकंड वन स्ट्रोक, उस गति से करेंगे ये कपालभाति प्राणायाम के तीन चक्र। कपाल भाति महा औषधि है, आप करते रहिए कपाल भाति का अभ्यास। कपाल भाति महासंजीवनी है, सैकड़ों बीमारियों की एक ही दवा है, सौ मर्दों का ये एक ही इलाज है। ये सारे असंतुलन को संतुलन में लाता है। कपाल भाति इंबैलेंस को बैलेंस करने वाला प्राणायाम है। कपाल भाति डिसऑर्डर्स को ऑर्डर में लाने वाला प्राणायाम है। एक वाक्य में कपाल भाति आपकी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल करता है, आपके संपूर्ण शरीर का जैवरसायन सामान्य करना कपाल भाति जान सकता है। जिसका हेमोग्लोबिन कम हो गया है उसका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, जिसके प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी आरबीसी डाउन है उसके प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी आरबीसी बढ़ेगी, और जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है उसका ट्राइग्लिसराइड यूरिक एसिड कम होगा, जिसका किडनी फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन बढ़ गया है क्रिएटिनिन कम होगा, किडनी अच्छी होगी,
लीवर के फंक्शन टेस्ट में एजीपीटी एजीओटी बढ़े हैं वो नॉर्मल पे आ जाएंगे। एक वाक्य में बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करना कपालभाति है, संपूर्ण जैव रसायन सामान्य हो जाता है कपालभाति से। ये कपालभाति आपके शरीर की टेंडेंसी को अच्छा कर देता है, बुरी टेंडेंसी को खत्म करना, अच्छे टेंडेंसी का निर्माण करना कपालभाति है। बुरी टेंडेंसी विकारों को जन्म देती है और अच्छी टेंडेंसी विकारों को खत्म करती है। यह बहुत अद्भुत बात है इसमें। तो बुरी टेंडेंसी खत्म होगी, अच्छी टेंडेंसी का निर्माण होगा। करिए कपालभाति का आखिरी चक्र, अंतिम आवर्तन कपालभाति का पूरी श्रद्धा के साथ। करते रहिए कपालभाति, अद्भुत और चमत्कारिक प्राणायाम है। उधर विकार मिटते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक हो जाती है, पुनरुत्पादन संस्था जिसको प्रजनन संस्था कहते हैं वो ठीक हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे ठीक होती है और एक्सक्रेटरी सिस्टम ठीक होती है। शरीर की जो गंदगी बाहर निकलती है, मल मूत्र गैस, ये शरीर की गंदगी तीन चीजों में, इस मल मूत्र गैस को ठीक से बाहर निकालने वाली जो सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसको ठीक करने वाला कपालभाति है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाने से पचन ठीक होगा, आपके एसिडिटी की समस्या नहीं रहेगी, कब्जी नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, गैसेस नहीं रहेंगे, बद्धकोष्ठता की बीमारी नहीं रहेगी। ये सारी बीमारियों का जो जड़ है वही ये कपालभाति ठीक कर देगा। तो कपालभाति अद्भुत और चमत्कारिक प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को वैसे तो रोज ज्यादा करना है, आज यहीं पर विराम देते हैं, विश्राम। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, या इसको नाड़ी शुद्धि का भी दूसरा रूप कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अगला रूप अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर, बाई ओर से श्वास भरना, दाहिनी ओर से छोड़ना, फिर दाहिनी ओर से लेना, बाई ओर से छोड़ना, शांति से मन एकाग्र करते हुए। ये ध्यानात्मक प्राणायाम, पूरा निर्विचार कारक मन करने वाला, मन को निर्विचार करते हुए संपूर्ण शरीर में प्राणों को पहुंचाने वाला, प्राणों द्वारा शरीर का पोषण। एक श्वास आपके जिंदगी के एहसास को बदलता है और आपका एक संकल्प पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए एक भजन के साथ इस अनुलोम विलोम का आनंद लेंगे। आप करते रहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, एक लय होकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, एक भजन का आनंद लेंगे। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पर लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान। आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम इससे ठीक हो जाती है। शरीर के अंदर जितने प्रवाहमान चलते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजनस गैसेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होमोजीनियस वेस्टेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है। ये शरीर के अंदर सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ रही है। इन सबको नियंत्रित करने वाली एक सिस्टम है, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्राणायाम से सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो जाती है। इसी प्राणायाम से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगी, श्वसन संस्था मजबूत होगी, वर्षों पुराना दमा, वर्षों पुरानी खांसी, नजला, जुकाम, ये आदि समस्याओं का समाधान इसमें है। ये सारी समस्या हमारी इससे मिटेगी, कई वर्षों पुराना दमा मिटेगा, ये श्वसन संस्था ठीक होगी। और ऐसे इस कोरोना की महामारी में, इस पेंडेमिक में, ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एक कारगर सिद्ध हुआ है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। तो इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारा अंदर का, फेफड़ों के अंदर जो गंदगी जमा हो गई है वो निकालने की काम हो रही है, अंदर से सफाई का अभियान चलता है। ये अनुलोम विलोम है, एयर सर्विसिंग ऑफ आवर बॉडी। अनुलोम विलोम प्राणायाम वायु नेती है, वायु से शुद्धि क्रिया, हमारे अंदर की गंदगी को साफ करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम है। ये प्राणायाम आपकी स्केलेटल सिस्टम अच्छे रखेगा, हड्डियों का ढांचा मजबूत कर देगा। यही प्राणायाम आपकी एंडोक्राइनल सिस्टम ठीक करेगा, और यही प्राणायाम सेंट्रल नर्व सिस्टम मस्त करेगा। सेंट्रल नर्व सिस्टम मध्यवर्ती नसनाड़ियों की संस्था, 72,72,10,201 नसनाड़ियां हैं हमारे अंदर। इन समस्त नसनाड़ियों को परिशुद्ध करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। विश्राम, अब अनुलोम विलोम के बाद करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जीवा को ऐसे गोल बनाया जाता है, पाइप बनाया जैसा, और उसमें से हवा खींची जाती है। गर्मी के दिनों में अत्यंत लाभदायक है। अब ये गर्मी के दिन शुरू है, अभी पूरे दिन हो जाएंगे। योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये इसीलिए चुना कि ये साल का सबसे बड़ा दिन है, जहां पर सूर्य सबसे अधिक समय रहता है और रात सबसे छोटी होती है। सूर्य उपासना का दूसरा नाम योग है। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चयन करने के पीछे ये पूरा रहस्य है कि साल का 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, ये 21 जून को होती है। तो 21 जून आ रहा है, यानी सबसे बड़ा दिन है। हम अब ये सबसे बड़े दिन शुरू है मकर संक्रांति से। जब उत्तरायण में सूर्य आगे बढ़ता है तो दिन बढ़ता है, और उसके बाद फिर दिन ढलते जाता है। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, छोटी सबसे बड़ी रात रहती है। तो आइए शीतली प्राणायाम करते हैं। जीवा को गोल बनाकर, उसका पाइप बनाकर अंदर हवा खींचना है, कुछ देर रोक लेना, फिर छोड़ देना। ये आपके ठंडक का एहसास दिलाएगा, आपके शरीर के अंदर शीतलता भर देगा। इसका नाम ही है शीतली प्राणायाम। और एक बार करेंगे, जिसको ये करने में कठिनाई है वो शीतकारी कर सकता है। जीवा के अंदर, दांत के अंदर जीवा पलटी लगानी है,
और दांत पर दांत भीज कर उसमें से हवा खींचनी है। तो ये शीतकारी और शीतली दोनों के लाभ एक जैसे। फिर से एक बार शीतकारी करेंगे, जीवा को दांत के अंदर से ऊपर की ओर पलटी लगाना और दांत पर दांत रख के अंदर से हवा खींचना। तो शीतली शीतकारी दोनों प्राणायाम एक लाभ देते हैं। आखिरी में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, अंगूठे से कान का दरवाजा बंद, पहली उंगली माथे पर, तीन आंखों पर, भ्रमर की ध्वनि नाक से निकालनी है। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, ध्यान, प्रणव की साधना, प्रणव की आराधना, प्रणव की उपासना, प्रणव का ध्यान। तस्य वाचकः प्रणव, उसी ईश्वर का नाम ओम है, वही प्रभु, वही परमात्मा, वही परमेश्वर ओम के नाम से जाना जाता है। तद जपत सदर्थ भावनम, उन्हीं के भावों को जपते रहना। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, अज्ञान से हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा है और अज्ञान ने हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अपारा असली ज्ञान ढक गया है और हम अज्ञान में जी रहे हैं। योग साधना से अज्ञान का आवरण हटकर ब्रह्म रूपी ज्ञान, ईश्वर रूपी प्रकाश मस्तिष्क में समाया जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधकस्य सिद्धनम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम ओम। दोनों हाथों का घर्षण करते हैं, आंखों को ये हाथों की ऊर्जा लगाएंगे और फिर धीरे धीरे किलकिली करते हुए आंखें खोलना। ये सामान्य योग प्रोटोकॉल का एक घंटे का कंप्लीट पैकेज है। तो हमने कंप्लीट एक घंटे में ही ये पैकेज बिठाया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्देशित ये कॉमन योग प्रोटोकॉल। आखिरी में एक मंत्र होगा, उसके पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक एमपी के क्लासेस, फिटनेस क्लासेस के प्रमुख आदरणीय हमारे आदरणीय आनंदमल सेठिया जी, उनकी धर्मपत्नी माता प्रेमलता सेठिया जी, साथ में जो कल्याणम योग केंद्र सूरत के हैं आदरणीय अलका सांखड़ा जी, डॉक्टर सुमिता जोगर जी जो कोऑर्डिनेटर्स है, इन सब का मैं इस सत्र में हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो साधक इसमें जुड़े हैं उन सबका भी स्वागत करते हुए, योग को अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बनाना, योग को अपनी जीवन शैली बनाना। योग इज अ लाइफस्टाइल, योग हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग होना चाहिए। इस संकल्प के साथ शांति पाठ करेंगे और उसके बाद फिर ये मंच में पुनः एक बार आनंदमल सेठिया जी की ओर छोड़ता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ है, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य से भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे, सृष्टि में प्राण धारे। ओम, सभी को नमन, सभी को वंदन। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो 5 से 10 मिनट का समय आपको। बहुत धन्यवाद विष्णु जी। बाबू जी प्रणाम। ओम, बहुत सुंदर तरीके से आपने आसन प्राणायाम बताए। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्रेमलता जी सेठिया मेरी धर्मपत्नी नहीं है, हमारे सेंटर की बहुत अच्छी एक ट्रेनर है। मेरी धर्मपत्नी प्रेमला सेठिया है, वो भी योग योग और आसन सब भी हुई, एग्जाम पास की हुई है, वो भी ट्रेनर है। मेरी पत्नी का नाम प्रेमला सेठिया है, प्रेमलता जी सेठिया आपने गलत बता दिया था। और एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा,
आपने हाँ। जो शीतली और शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताया, श्वास भरते समय मुंह से श्वास भरना है, जीभ छोड़ते समय मुंह से छोड़ना या नाक से छोड़ना है, इस बात को नाक से छोड़ना है मुख से श्वास भरना है, नाक से छोड़ देना है। जी 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 जी। अभी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज ऑप्शन आप है, हैंड राइज करेंगे आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आप जिज्ञासा समाधान में कोई प्रश्न पूछना हो अभी जो प्रयोग बताए इससे संबंधित, कृपया कोई पर्सनल प्रॉब्लम के सवाल नहीं पूछेंगे, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है उसका सवाल नहीं पूछेंगे। अभी जो चीज बातें बताई गई इससे संबंधित कोई पॉइंट क्लियर करना हो तो आप, मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन एक बार चालू कर देता हूं, एक एक करके है, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ओम सर, ओम जी, लक्ष्मण काले बोल रहा हूँ सर। ओम सर, ओम प्रणाम 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 सर। ये बीमा अनम्यूट कीजिए, विष्णु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया सर, अनम्यूट कर दिया है। ओम ओम बोलिए लक्ष्मण काले जी। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। वो ग्रीवा संचलन में, ग्रीवा संचलन में सर श्वसन की क्रिया लेना चाहिए छोड़ना चाहिए कैसा है सर उसकी? गर्दन जब बाईं ओर जाती है तो श्वास भरना है, सामने आते छोड़ना है। हम शरीर को जब भी पीछे स्ट्रेच करते हैं तो श्वास को भरना है, भरना सामने है, आते हैं तो श्वास को छोड़ना है, ये सामान्य प्रक्रिया है। फिर गर्दन जब ऐसे पीछे जाती है तो श्वास को भरना है, आगे झुकाते हैं तो श्वास को छोड़ना है। ओके थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। ओम और भी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछे। ओम बोलिए। मनोज गांधी जी बोले। मनोज गांधी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलो जी। आज का सेशन अच्छा था, बहुत बहुत अच्छी योगी क्रिया बताई आपने जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत जी जी धन्यवाद। विष्णु जी तिवारी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए। हाँ विष्णु जी, ओम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। एक प्रश्न मुझे ये है कि इस प्रोटोकॉल में मंडुकासन का कोई इंक्लूजन नहीं किया गया है, जबकि मंडुकासन एक बहुत अच्छा मंडुकासन है बाबूजी। उत्थान मंडुकासन है, मंडुकासन नहीं लिया उसमें क्योंकि शशकासन हो रहा है। हाँ। तो शशकासन हो रहा है तो एक आधा मंडुकासन हो ही जाता है। हम केवल मंडुकासन में मुट्ठी लगा देते हैं नाभि के पास। हाँ। तो उन्होंने नहीं किया उसको ऐड, शशकासन हो रहा है और मंडुकासन में उल्टा ले लिया उन्होंने, उत्थान मंडुकासन। अच्छा ओके। ये तो बहुत हल्का फुल्का है, हम जब अपना दूसरा योग वर्ग लेंगे तो आपको पूरा इसमें और अधिक जानकारी मिलेगी विजय जी। अभी अब आनंद मल सिटिया जी के माध्यम से और एक वर्ग लेंगे, उसमें एक अलग पैकेज देंगे, उसमें आपको पूरा पूरा ठीक कर देंगे। डेढ़ दो घंटे का पैकेज करेंगे, वो सारे आसन अच्छे से हो जाते हैं, उसमें प्राणायाम भी 8 प्राणायाम करवाते हैं हम। अच्छी बात है, धन्यवाद विजय जी। ओम 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 सर, इसमें योगिक जॉगिंग ये सब नहीं होगा क्या? हाँ इसमें नहीं रहता, ये कॉमन योग प्रोटोकॉल में इतना ही है जितना मैंने ए टू जेड लिया, इतना ही लेना है इसमें। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं और इसको कम भी कुछ नहीं करना है। आप इसके चार्ट आपको भेज दूंगा मैं, कॉमन योग प्रोटोकॉल का एक निर्धारित अभ्यासक्रम है। इसमें हाँ। मंत्र भी हम पूरे नहीं लेते। हाँ, इसमें आखिरी में शांति पाठ भी वो ओम देव शांति वाला नहीं लेते। हाँ, इसके इसके निर्धारित पैकेज है, इसके पैकेज के अनुसार ही हमको चलना पड़ता है जी। हाँ सर, बहुत अच्छा लिया सर, आप बहुत अच्छा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपका। हाँ। और हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आसन आज हमने कराए आपने कराए हमारे सुबह की क्लास में, हम नियमित करते भी है। हमारी क्लास 365 दिन चलती है, एक दिन मेडिटेशन और एक दिन योगा चलता है 6:30 से 7:30। तो आसन हमारे साथ जो जुड़े हुए भाई बहन हमेशा करते भी है, कुछ नई चीजें भी हमने आपसे जानी, नई
तरीके से करना सीखा तो कहते हैं ज्ञान जितना बांटे उतना ही बढ़ता है, जितना ज्ञान को बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। तो हमने बहुत सी चीजें आज नहीं सीखी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस आपको भी बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। समापन की ओर चलने से पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। कल का हमारा सेशन कल 6:30 बजे हमारे साथ उर्मिला जी ज्वारकर, कल 10 तारीख है, उर्मिला जी ज्वारकर हमारे साथ जुड़ेंगी और मोटापा कैसे कम किया जाए इस विषय पर प्रयोग और हमें बताएगी। तो उर्मिला जी ज्वारकर भी एक बहुत अच्छी ट्रेनर, बहुत अच्छी जानी पहचानी हस्ती है, वो तो हमारे साथ कल जुड़ने वाली है। तो हमारा पूरे 21 दिन का महिला प्रतिनिधि समिति की नागपुर जिला प्रभारी भी है जी जी। और अभी जो प्रयोग हमने सीखे इसका वीडियो हमारे चैनल पे शाम तक आ जाएगा। एमपी के फिटनेस क्लासेस हमारा चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, उसके सामने भी वीडियो आ जाएगा, इसको जरूर देखें और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमने जो सीखा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य। ओम शांति, ओम शांति। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि हम सब आप सबके भी बहुत बहुत आभारी है। साथ हमारा आज का ये सेशन संपन्न हो रहा है। ओम अरहम ओम विष्णु जी के भी बहुत